Beleza, tizão dare, eu vou falar pra você um isso. E esse dinheiro que é com a minha rua? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक और नए वीडियो में। बस बस यहाँ पे रोटियाँ बनाई जा रही है और यहाँ पे स्नान हो रहा है। यहाँ पे स्नान किया जा रहा है अभी। हे गाइस, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग और एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो एक मैं कल पहुंच गया था फिर से चौक, और पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी, दो वीडियो बनाई थी। एक वीडियो मैंने डाल दी थी, और जो दूसरी वीडियो थी उसमें थोड़ा कैमरा हिल रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसको डाला नहीं, अपलोड नहीं किया उसको। तो इस बार हम फिर से वीडियो बना रहे हैं चौक का। इस बार हम दिखाएंगे कि चौक में क्या क्या है। यहाँ दिखाने के लिए बहुत कुछ है, तो इस बार दिखाएंगे आपको। अभी मैंने छाता ले रखा है क्योंकि सुबह से बहुत तेज़ बारिश आ रही है। अभी थोड़ी कम आ रही है, हल्की बूंदाबांदी आ रही है, पर ताकि फ़ोन गीला ना हो मेरा, इसलिए मैंने छाता ले लिया। और अभी हम पहुँचे हैं अपने छत पे, मतलब छत पे हैं, और यहाँ से दिखाता हूँ पहले तो यहाँ के जो पहाड़ है सब दिखाऊँगा आपको। तो दिखाता हूँ पहले आपको। और अभी यहाँ ऊपर कोहरा लग गया ऊपर, और ये हमारे खेत हैं, तो कल रुपाई है, तो इसलिए आज जो रुपाई की तैयारी चल रही है, मतलब धान निकाली जा रही है। और ये यहाँ से गदेरा बहेगा, अभी जब बारिश आएगी ना बहुत तेज़, तभी ये गदेरा निकलता है और नीचे हमारा नेचुरल पानी निकलता है। वो हम अभी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर बाद। और ये गौरव आर का घर, ये कल ही आया घर, इसी केस में रहता है अभी, तो इसने अभी ट्वेल्थ कम्प्लीट करके जा रखा है ये आगे की पढ़ाई करने के लिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि इस घर का कोई भी बैक साइड नहीं है, दोनों साइड से आप अंदर आ सकते हो। और इस घर में 15 कमरे हैं, 15। और अभी चलते हैं नीचे खेतों की ओर, खेत दिखाएंगे आपको पहले आज। जो सामने दिख रहा है ये हमारा मछलियों के लिए जो बना रखा हमने टंकी, जिसमें हम मछली पालते हैं। और ये सामने है गदेरा जिस पर भी पानी नहीं है, अभी कुछ दिनों बाद आ जाएगा। और ये ऊपर तो मछलियों के लिए टंकी बना रखी है, और यहाँ नीचे उनके लिए चारा बनाया जा रहा है। अभी जब ये पक जाएगा तो वहाँ डाल देंगे। और यहाँ चल, अभी तो मैं नहा के बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ। और जो सरिता और है मेरी बहन और भाई लोग, वो आज स्कूल नहीं गए क्योंकि बारिश आ रही थी सुबह बहुत तेज़, और बारिश में यहाँ पे लैंडस्लाइड का डर रहता है, तो इसलिए आज वो स्कूल भी नहीं गए। तो अभी आगे देखते हैं। और ये मेरे सामने निकल रहा है हमारा नेचुरल पानी, जो 12 महीने ऐसे ही निकलता रहता है, हर साल भर ऐसे ही निकलेगा। आपको जब भी आओगे आपको ऐसे ही मिलेगा। और ये ऊपर ये हमारा और बिच्छू घास, कंडाली बोलते हैं जिसको गढ़वाली में, जिसकी हम सब्ज़ी बना के खाते हैं, मतलब इस मौसम में तो नहीं खाते, ये हमारा जब ठंड का रहता है ना मौसम, तब हम इसका सब्ज़ी बना के खाते हैं। और इसका सब्ज़ी हिमाचल और आसाम में भी बना के खाते हैं। और अगर आपने इस बिच्छू घास को कभी छू लिया ना, तो ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने काट लिया हो, किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो, ऐसा लगेगा। इसके अंदर मतलब इसकी पत्तियों पे कांटे रहते हैं, बहुत पतले पतले, इसलिए इसको ऐसे छू नहीं सकते हम। इसका एक तरीका होता है बनाने का, सब्ज़ी बनाने का, वो हम कभी दिखाएंगे आपको किसी और वीडियो में।
बहुत छोटे पत्ते हैं अभी, अभी ये इतने बड़े, इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े। चल जा। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं देख, और ये हमारा खेत है, और खेत तो ऊपर तक है पूरे ऐसे सीढ़ीदार खेत, और हमारा घर यहाँ पे है। अभी बारिश भी तेज़ हो चुकी है, पर अभी हम थोड़ी वीडियो बना के जाएंगे वापस। तो अभी हम पहुँचे हैं अपने होम स्टे, ये पीछे बना रखे ना होम स्टे बना रखे यहाँ पे। ये जो आपको ये पत्थरों की जो दीवार दिख रही है ना, ये हमने होम स्टे के लिए बनाए थे। मतलब मेरे जो बुड्ढी के जो बेटे हैं ना, मेरे चाचा जी बुड्ढी के, बुड्ढी बोली तो मतलब कि जो मेरे दादाजी होते हैं ना, दादाजी की जो बहन होती है उनको बुड्ढी बोलते हैं हिंदी, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। और उन्होंने ये बनाया था, पर यहाँ आए नहीं कोई यार। उसका कारण ये था कि इसका सही से प्रचार नहीं हुआ, और एक था कि यहाँ सड़क यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, सड़क यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा पूरा, पहले पूरा पहाड़ और फिर आपको सड़क मिलेगी। और जिनको ट्रैकिंग पसंद है उनके लिए ये जगह सही है, और आपको ट्रैकिंग चाहिए आप ऊपर ऊपर चढ़ सकते हो सड़क पे। मतलब कोई भी चीज़ आपको यहाँ आसानी से नहीं मिलेगी, कोई भी वैसी चीज़ कि जो बाज़ार में मिलती है उसके लिए आपको पहले ऊपर सड़क में जाना पड़ेगा। बाकी अगर आपको प्राकृतिक कोई ऐसी चीज़ चाहिए तो आपको सब यहाँ मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ सामने गदेरा बह रहा है, कहीं भी जाओ नहा सकते हो। तो यहाँ बहुत ज़्यादा घास हो चुकी है, पर जहाँ मैंने ये बनाया था पूरा साफ कर रखा था यहाँ पे, और इसके ऊपर पहले बहुत मतलब मस्त सा बना रखा था, बिल्कुल सजा रखा था इसको। तो शायद से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ सिर्फ एक ही घर मिलेगा आपको, जो कि हमारा है, और बाकी आसपास आपको कोई भी घर नहीं दिखेगा, बस जंगल ही जंगल है। और जंगल में आपको दिख जाएंगे जो जंगली जो बकरियाँ होती हैं ना, और गढ़वाली में तो उनको काखड़ या घुल्लू बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ दिख जाएगी, और जंगली मुर्गी आपको यहाँ दिख जाएगी, बाकी पक्षी आपको दिखते रहेंगे यहाँ। और ये हमारा है प्राकृतिक पानी, जो कभी सूखता ही नहीं है, ऊपर से हमेशा लैंडस्लाइड होता रहता है, ये ऐसे ही रहता है, पत्थर ही पत्थर दिखेंगे आपको यहाँ पे। और ये सामने ये हमारा गदेरा है, और यहाँ देखोगे इस साइड देखोगे तो जो हमारे खेत दिख रहे हैं ना, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे हमारे होम स्टे, और यहाँ थोड़ा ऊपर चलोगे तो यहाँ पे हमारा घर है, और बाकी पहाड़ी पहाड़ दिख जाएंगे आपको। एक बात ये है कि यहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेंगे, नेटवर्क आपको मिलेंगे जियो के यहाँ पे, वो भी बहुत ही कम, मैसेज करने के लिए, और आप कभी कभी आप वीडियो भी देख सकते हो। अगर आपको प्रॉपर नेटवर्क चाहिए जिसमें आप वीडियो अपलोड करना चाहते हो, तो आपको पहले सड़क को जाना पड़ेगा ऊपर, जो भी जियो के मिलेंगे सिर्फ आपको, और नहीं तो मेरा गाँव है सड़क से होगा 2 से 3 किलोमीटर, आपको पहले मेरे गाँव जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको हर चीज़ के नेटवर्क मिल जाएंगे, एयरटेल का मिल जाएगा, आपका वी मिल जाएगा, और जियो तो मिल ही जाएगा। तो जब भी आप इस साइड आओगे तो जियो का नेटवर्क अपने साथ या जियो का सिम लेके आना आपके अपने साथ, ताकि आपको अच्छी नेटवर्क मिल सके। और मुझे इस वीडियो को भी अपलोड करने के लिए पहले सड़क पे जाना पड़ेगा, और सड़क से जाके दम मेरे गांव, क्योंकि मेरे पास जियो का और जियो का सिम नहीं है ना, मेरे पास है वी, और वी चलता है फिर मेरे गाँव में, वहाँ जाके मेरे को इस वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कंडाली बहुत ज़्यादा मिलेगी, बिच्छू घास बहुत ही ज़्यादा मिलेगी आपको, इसलिए जब भी आओ थोड़ा बच के रहना इनसे, मतलब इसको टच नहीं करना आपको, नहीं तो आप ये समझ लो आपका दिन पूरा ख़राब चला जाएगा। ये सब एक तरह से ज़्यादा काटता है ये कंडाली, और चुभता भी है। और अभी अमन और सौरभ जा रहे हैं बकरी लेके, बकरी चराने के लिए।
साथ में जूली भी जा रही है। जूली मतलब कि यहाँ का डॉगी है जो आदि क्या देख आदि जून में अब है ये तो अभी मैं पहुंचा हूं खेत में जहां मेरी बहन बहने और मेरी चाची कर रही है काम। यह पहाड़ी नोनी सरता और ये धान निकाल लिए कल के लिए, कल रोपाई है नचज सबके सब जितने देख रहे हो। छोटी चाची भी आ गई है धान निकालने के लिए। और यहाँ पे हमारा पहाड़ी ऑल आउट मच्छरों के लिए, इसे गुफलू बोलते हैं, ये गोबर से बनाया जाता है, मच्छरों के लिए बनाया जाता है। ये तो इसे इसे गोबर से बनाया जाता है ताकि जो मच्छर होते हैं इसके जो धुआं होता है ना ये इंसानों पे कोई वो नहीं करता, हाँ कोई फ़र्क नहीं डालता, सिर्फ मच्छरों के लिए होता है ये वाला, मच्छरों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है, मच्छर नहीं आएंगे यहाँ पे। यहाँ से धान निकाली जा रही है और यहाँ पे रखी हुई है धान निकाल के, ये कल रुपाई जब रुपाई होगी ना तब लगाई जाएगी ये। यहाँ से भी आपको गुल दिख जाएगी देखो पानी के लिए। तो अभी मेरे बुड्डू जी और बुड्ढी जी आ रहे हैं जिनकी मैं बात कर रहा था ना, दादा जो दादाजी होते हैं उनकी बहन होती है तो उनको हम बुड्ढी बोलते हैं गढ़वाली में। तो वो अभी आ रही हैं और उनके अपने साथ वो अपनी बकरियां भी ला रही है। बुड्ढू तो आ गए, अभी बुड्ढी आ रही है। बुड्ढी जी अपने बकरी लेके वहीं से चली गई, खेतों में जा रही है, वो भी अभी धान निकालेगी वहाँ पर जाके और बकरियाँ तो ऊपर चली जाएगी। अभी दोबारा बारिश शुरू हो गई है, चलते हैं वापस चलेंगे अभी। सानू बुड्डू जी लाए हैं आदि के लिए ये वाली टॉफी, ला दी मैं भी दे। दे हाथ कर अब इतना रिंगो गाड़ा भाई एक आदि आदि। बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है और बुड्ढी भी आ गई अब तो, और अभी यहाँ पे मुझे लगता है गदेरा आ जाएगा आज तो, गदेरे का पानी बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, बारिश आ रही है और गदेरे का पानी बढ़ता जा रहा, बारिश आ रही है, अभी बारिश में खेल रहा है यहाँ पे अक्को। अबे यार ओए, तो अभी टाइम हो रहा है 1:07 हो रहे हैं और बारिश आ रही है तो मैं सो गया था, अभी उठा हूँ और अभी बारिश बंद हो गई है और जो हमारा गदेरा था ना बारिश की वजह से उसका पानी थोड़ा बढ़ चुका है। अभी दिखाता हूँ आपको गदेरा, जब मैं सुबह यहाँ पे आया था ना बिल्कुल सूखा हुआ था, पानी कुछ एक ही पानी था और अभी यहाँ पे बिल्कुल नदी बह रही है, एक तरह से गदेरा बह रहा है पूरा। ये हमारी मोई है, इससे भी रुपाई की जाएगी। पापा वाले
अच्छा जो बड़ा बोलते हो ये दे दो ये कोड का फोन आ गया अब ये अपन एक फोन बस दे दियो ओ तो अभी यहाँ पे रोपाई कर रहे हैं। हाँ तो अभी यहाँ पे रोपाई कर रहे हैं। रोपाई का जो प्लान था वो कल का था, लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ हो गया अभी, तो उन्होंने रोपाई आज ही स्टार्ट कर दी। मैं 57 साल लग गया घर से दिया तो दे या ते चलो तुझे मनी जी खड़े थे के कोना ना ना ए दाव दो बा ए तो जोर तो पर पर लिए सके ते बुढ़ी जा फंड चढ़ लग अब ठीक जा सा ने आई क्या है मैं बैठी बस ए के ते मुख ओ ओ दीवार पे पुंगिर पे पुंगिर अबे अभी हो चुकी है रुपाई ख़त्म, तो अभी चलते हैं नहाने के लिए। जो हमारा जो नेचुरल पानी आता है वहाँ पे हम नहाएंगे। एक गजरा बह रहा है, ये आज ही निकला है। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े डाल दिए और ये आ रहा हमारा नेचुरल पानी ऊपर से और मैं हूँ पानी के अंदर। तो अभी ऊपर से आ रहा है पानी, नेचुरल पानी आ रहा है और मैं हूँ ओहो ठंडा। अभी मैं नहा चुका हूँ, पानी ज़्यादा ठंडा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ये जहाँ मैं नहा रहा था अभी। पर जो सामने वाला पानी है ना, ये थोड़ा ठंडा है, पर जो ये वाला पानी है जहाँ पे मैं अभी नहा रहा था ये बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। एक बात और है कि लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को बनाए हुए, अभी सिर्फ 15 से 16 दिन ही हुए हैं और 100 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और पीछे मेरा घर है, अभी चलते हैं वापस घर पे, ज़्यादा दूर नहीं है, 30-30 मीटर की दूरी पे ही है। और सामने हमारा पूरा यहाँ पे हमारा धारा है पानी का और ये हमारा गदेरा, तो भी चलते हैं वापस। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर सड़क पे वीडियो अपलोड करने के लिए। अभी एडिटिंग बाकी है, थोड़ी एडिटिंग करूँगा पहले उसकी और उसके बाद अपलोड कर दूँगा। अभी मैं चढ़ रहा हूँ अपने पहाड़ी रास्ते पे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ लोगों के लिए ये ट्रैकिंग होती है और हमारे लिए रोज़ का चलना होता है, कभी स्कूल चल दिए, कभी कोई सामान लाना है सड़क से तो वो ला दिया, तो ये मतलब हमारा रोज़ का काम है। हमारा जो नॉर्मली चलना होता है उसे कुछ लोग ट्रैकिंग कहते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर वीडियो अपलोड करने के लिए, तो अभी मिलते हैं दूसरे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बाय।